हेलो एवरीवन, मैं राजनी शर्मा आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल नॉलेज फॉर सर्चर में। और एक बार फिर से हम टॉपिक पे चलते हैं अपने 12th क्लास केमिस्ट्री हेलो एल्केन और हेलो हेलीन की तरफ। इनके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं, अब हम बात करेंगे इनके कंपाउंड की। इनके जो बेसिक कंपाउंड थे क्लोरोबेंजी और एथिल ब्रोमाइड, जब हम हेलो एल्केन के केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी कर रहे थे वहाँ पर क्लियर हो गए थे। अब हमारे इसमें जो चैप्टर में कंपाउंड्स बचते हैं वो है क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म, फ्रियॉन्स, ठीक है, और डीडीटी। डीडीटी फ्रियॉन्स पे शॉर्ट नोट आता है, आइडोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म पैरेलल चलते हैं, दोनों के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी लगभग एक जैसे हैं। मैं ये नहीं कह रही सब कुछ एक जैसा है, लगभग एक जैसे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म वर्ड सुनते साथ ही माइंड में वो पिक्चर का क्लिप याद आ जाता है जिसमें वो क्या करते हैं, हैंकी के ऊपर थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म स्प्रिंकल करते हैं और सुंघा देते हैं और जो पर्सन है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो पहली बात, ये गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम क्लोरोफॉर्म को इनहेल भी करते हैं किसी रीज़न से या उसको पी लिया जाता है तो उस कंडीशन में दोनों ही चीज़ों के इफ़ेक्ट अलग अलग हो जाते हैं। क्लोरोफॉर्म को सूंघने के बाद, इनहेल करने के बाद कम से कम 5 से 6 मिनट लगते हैं अनकॉन्शियस होने में। तो वो मूवी का क्लिप बिल्कुल रॉन्ग है, कोई साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है उसका अगर उसमें क्लोरोफॉर्म ही यूज़ किया जा रहा है। दूसरी बात, अगर गलती से कोई इसको पी लेता है तो उस कंडीशन में पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज कर देगा, टॉक्सिक होता है। क्लोरोफॉर्म की बॉटल के ऊपर क्लियरली मेंशन होता है टॉक्सिक, ठीक है। तो इसीलिए होता है क्योंकि काफ़ी हार्मफुल केमिकल कंपाउंड है। ये क्या करता है, हमारे किडनी लीवर को तुरंत डैमेज करने का काम करता है। ये इतना पावरफुल होता है कि अगर बाई मिस्टेक हमारी स्किन पर हम उसे रब कर लेते हैं, कंसनट्रेटेड फॉर्म में हम क्लोरोफॉर्म को रब कर लेते हैं, दैट मीन वहाँ पे हमारे छाले हो जाएंगे, स्किन पे रैशेस हो जाएंगे। तो आप सोच लीजिए कितना टॉक्सिक कंपाउंड है। लेकिन हमें क्या करना है, इसको थ्योरी में कंप्लीट करना है। तो लेकिन फिर भी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बताए हैं इसलिए बताए हैं कि इन फ्यूचर कभी लैब के अंदर, बच्चे मैंने अक्सर देखा है लैब में जाते हैं, ये कंपाउंड वो कंपाउंड, इसे मिला उसे मिला, बेटा ये हार्मफुल होता है। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना होता है। शैतानी अच्छी बात है, बच्चे हो शैतानी करनी चाहिए, लेकिन ऐसी नहीं जो आपको या किसी और को नुकसान दे। तो बातों को ख़त्म करते हुए सीधे कंपाउंड क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म फार्मूला CsCl3, ठीक है। अगर हम इसके IUPAC नेम की बात करते हैं तो दैट इज़ ट्राई क्लोरोमेथेन। ट्राई क्यों, क्योंकि 3 क्लोरीन है। मेथेन क्यों, क्योंकि 1 कार्बन है। और एन क्यों, क्योंकि सिंगल बाउंड कंपाउंड है। देखो CH, Cl, Cl और Cl, तो ये हुआ हमारा ट्राइक्लोरोमेथेन यानी कि क्लोरोफॉर्म। अब जब हम केमिकल कंपाउंड करते हैं तो उसमें हम 3 तरह के मेथड करते हैं। एक तो हो गया वो जो लैब में है, दूसरा हो गया क्या, इंडस्ट्रियल मेथड, तीसरा हो जाता है हमारा वो मेथड जो एक्सपेंसिव नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके लैब मेथड की तरफ मूव करते हैं। तो लैब मेथड में हम इसको बना सकते हैं इथेनॉल से प्लस प्रोपेनॉल, दोनों से, दोनों का यूज़ किया जाएगा। बस क्या है, इथेनॉल और प्रोपेनॉल में क्या होगा, कार्बन का नंबर चेंज हो जाएगा, उसमें 2 कार्बन है उसमें 3 कार्बन है। तो किससे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम इसमें ब्लीचिंग पाउडर का जो क्लोरीन होता है उसको जनरेट करवाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर के क्लोरीन को निकालेंगे और ये जो क्लोरीन है ये क्लोरीनेशन करेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि इसकी रिएक्शन हम जब वाटर से कराते हैं तो ये क्या बनाएगा, ये सीधी, देखो मेन प्रोडक्ट इसमें क्लोरीन है तो सबसे पहले क्लोरीन बना दो, जो बाकी बचा उसे जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्लोरीन है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करेगी और क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह भी वर्क करेगी। तो क्लोरीन जब इसके साथ रिएक्शन करेगी तो क्या करेगी, अल्कोहल ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप में, ये क्या है हमारा इथेनॉल, तो ये अल्कोहल OH यानी अल्कोहल ग्रुप हो गया, अल्कोहल ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट करने का काम करेगी। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2, ये चीज मेन है, मेन प्रोडक्ट ये है। जो बाकी बचा उसे क्या कर दो, उसको यू डिस्प्लेस कर दो। क्या बचा हमारा यहाँ पे, यहाँ पे बचा हमारा एक हाइड्रोजन और Cl, HCl बन जाएगा, ठीक है। और क्या बचा भाई, एक हाइड्रोजन
दो हाइड्रोजन और दो क्लोरीन, तो टू HCl है ना। ये जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है, इस एल्डिहाइड ग्रुप में क्लोरीनेशन किया जाएगा, क्लोरीन अटैक करेगी। जब क्लोरीन अटैक करेगी तो क्या बना देगी, ये CCl3 इस हाइड्रोजन को। ये जो हाइड्रोजन हमारे ये बने बने हैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट में, ये तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन से। तो यहाँ पर जो क्लोरीन वर्क कर रही है एज अ क्लोरीनेटिंग एजेंट का काम कर रही है, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। अब जो बचा उसे एक तरफ कर दो, तो एक तरफ कर दिया तो क्या बचा, HCl बचा भाई मेरा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कौन सा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा यहाँ बना था। देखो होता क्या है कि हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करने में होता क्या है कि हम ऐसा तो नहीं है कि इन चीज़ों को बाहर निकाल के फेंक देते हैं, ऐसा करते हैं, बाहर भी निकालते हैं, लेकिन वो स्टेप यहाँ पर यूज नहीं होगा, ठीक है। तो होगा क्या, जब भी इसके साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या है, CHCl3। अब जो बाकी बचा उसे एक साथ लिख दो, क्या बचा, कैल्शियम बचा, OH बचा, है ना। CCl3 ने क्या करा, एक हाइड्रोजन लेके अलग हो गया, जो बाकी बचा वो हमारा एक साथ चला गया, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। आपके मेन प्रोडक्ट पर फोकस किया जाता है, बाई प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म, बाकी जो बचा क्या बचा, CHOH और ये H, तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम फॉर्मेट। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका ये हो जाएगा HCOO2CA, ठीक है। ये हमारा हो गया क्या, लैब मेथड किसका, क्लोरोफॉर्म का। अब लैब मेथड के बाद हम इसका देखते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड वो ही है जो हमने क्लोरीनेशन किया था, कहाँ पर किया था, जब हम एल्केन के सिंपल प्रॉपर्टीज कर रहे थे, तो क्या था उसमें, ये कौन सा मेथड है, ये हो जाएगा हमारा इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या था, बस सिंपल हम मेथेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते रहेंगे, और तब तक करवाते रहेंगे जब तक कि हमें हमारा मनचाहा प्रोडक्ट नहीं मिल जाता। अब इसमें सब प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो उसको क्या करेंगे, उस सब प्रोडक्ट को हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की हेल्प से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, इसको हम अलग वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, हाइड्रोजन हटाते जाओ, क्लोरीन को लगाते जाओ, ठीक है। अच्छा, इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में हम एल्केन का यूज करते हैं, क्लोरीन का यूज करते हैं, दोनों को ही ह्यूज अमाउंट में लेते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में लिया जाता है। किसकी प्रेजेंस में होती है ये इक्वेशन होती है हमारी सनलाइट की प्रेजेंस में। तो अब हमें क्या चाहिए था, क्लोरोफॉर्म हमें मिल गया। तो ये हो गया इसका इंडस्ट्रियल मेथड। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट मेथड है हमारा फॉर्मेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म। तो फॉर्मेशन ऑफ प्योर क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए हम यूज करते हैं CCl3CHO H2O, ठीक है। और इसकी रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो क्या पढ़ रहे हैं, क्लोरोफॉर्म। तो बना दो क्लोरोफॉर्म, फार्मूला याद ही हो गया होगा, CHCl3। अब जो भी बचा, जब इस तरह का कोई कंपाउंड होता है जिसके पास अलग से वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो याद रखना जब भी हीट किया जाता है तो सबसे पहले ये वाटर मॉलिक्यूल हट जाता है, तो वाटर तो बनेगा ही बनेगा। अब इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचा हमारा Na, ये CHO और ये O, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा HCOO Na। ये हमारा बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में बन जाएगा। तो ये हमारा हो गया प्योर क्लोरोफॉर्म बनाने का मेथड। अब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो सबसे पहले कलरलेस होता है, हैवी लिक्विड है। हैवी लिक्विड का मतलब क्या है, हैवी लिक्विड का मीनिंग हो गया डेंसिटी मोर देन वाटर, क्योंकि हम यहाँ पे कंपेरिजन किससे करते हैं, वाटर से करते हैं। जैसे अगर हम किसी चीज की हाइट ज्योग्राफी में मेजर करते हैं तो फ्रॉम द सी बॉटम से करते हैं, ठीक है। तो डेनिसिटी क्या है, डेनिसिटी मोर देन वाटर हो गई। स्वीट इन टेस्ट होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बात करते हैं
इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो भाई केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ चीजें आप अपनी नॉलेज के लिए हमेशा याद रखो। क्या अगर 1% आपको केमिकल प्रॉपर्टीज कहीं लिखनी पड़ जाए या पूछ ली जाए, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो हर कोई शो करता है। एक तो बर्निंग होती है, लिक्विड है तो इसकी बर्निंग हम यहाँ नहीं शो करेंगे, बर्निंग होती है। ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। तो इस तरह के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो मैक्सिमम सभी कंपाउंड्स शो करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका? क्लोरोफॉर्म का। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या हो गया? ऑक्सीडेशन का मीनिंग हो गया कि भाई ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। अब इसकी जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है वो बहुत खतरनाक होती है। खतरनाक कैसे होती है? इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा फॉस्जीन, जो कि काफी टॉक्सिक गैस है। अच्छा, ये ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो दो चीजें यहाँ पर ध्यान से सुन लेते हैं कि एक तो क्लोरोफॉर्म आपको जब भी लैब में मिलेगा ब्राउन बॉटल्स के अंदर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सनलाइट जैसे ही इसके अंदर जाएगी ये केमिकली एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है कि इसकी बॉटल्स को ब्राउन कलर में, इसकी जो बॉटल्स होती हैं वो ब्राउन कलर की होती हैं, डार्क ब्राउन कलर की होती हैं, उसके अंदर रखा जाता है। ऐसी जगह पर रखा जाएगा जहां पर सनलाइट ना पहुंचे। ठीक है, दूसरी बात, इसकी जो बॉटल्स होती हैं वो पूरी नेक तक फिल होती हैं, नेक तक फिल होती हैं। नेक तक फिल होने की वजह क्या है कि इस तक ऑक्सीजन नहीं जानी चाहिए। ऑक्सीजन अगर जाएगी ये तो तुरंत क्या करेगा? ऑक्सीडेशन कर जाएगा, फॉस्जीन गैस बना लेगा। अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है? जैसे लैब के अंदर आपने क्लोरोफॉर्म यूज किया, तो क्या जो बॉटल के अंदर बचा उसको फेंक दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा ना, काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाएगा। तो फॉस्जीन गैस ना बने इसके लिए क्या करते हैं, इसके अंदर इथेनॉल यानी C2H5OH को ऐड किया जाता है जिससे फॉस्जीन गैस ना बने। तो कितना परसेंट ऐड किया जाता है ये भी ध्यान रखिए, 0.6 से 1% इसके अंदर फॉस्जीन गैस को ऐड कर दिया जाता है। अब 0.6 से 1% मैं परसेंटेज में बता रही हूँ, ग्राम में नहीं बता रही या मोल कंसंट्रेशन नहीं बता रही हूँ, मैं आपको वेटेज का परसेंटेज बता रही हूँ। तो आप वेट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड किया जाता है, जितनी बड़ी बॉटल होगी उसके अंदर क्लोरोफॉर्म के अंदर उतनी ही उसके वेट के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर एथेनॉल को ऐड किया जाएगा। तो अभी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन यानी CHCl3 रिएक्शन किससे है? ऑक्सीजन के साथ है। किसकी प्रेजेंस में होती है? सनलाइट की प्रेजेंस में होगी, तो अपने आप हो जाएगी। और अगर हम खुद करवा रहे हैं तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, ऑक्सीजन इसके पास आ जाए नॉर्मल टेम्परेचर पर ही ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो सनलाइट ये जो लिखा है ये लिखना जरूरी नहीं होता। बस याद रखिए, जब ये इसके साथ रिएक्शन करता है तो फॉस्जीन गैस का फॉर्मेशन करता है। अब फॉस्जीन गैस क्या है, तो फॉस्जीन गैस कैसे बनेगी? तो फॉस्जीन गैस का फार्मूला होता है COCl2, COCl2, और फिर क्या बचा? बचा एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, है ना? तो ये हमारा क्या है, ये बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में निकल जाएगा, COCl2। ठीक, अब किस तरह से हुई इक्वेशन वो देख लेते हैं। ये इस तरह से अटैच होता है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है और क्लोरीन है, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है ये जो है ब्रेक हो जाता है इसका बॉन्ड। ये मोल कॉन्सेप्ट जब मैंने क्लियर किया था तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी केमिकल इक्वेशन अपने आप मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं होती, पहले मॉलिक्यूल हमारा आयनिक फॉर्म में आता है, आयनिक फॉर्म में आने के बाद ही इक्वेशन होती है। तो होगा क्या, ये यहाँ से दो एक सीएल हाइड्रोजन के साथ अलग चला जाएगा, HCl बना लेगा, एक सीएल ये गया, एक सीएल ये गया, और उसके बाद हमारा क्या बचा, COCl2। ठीक है, एक सीएल निकल जाएगा, ये दो सीएल ऑक्सीजन के साथ आ जाएंगे। अब कैसे आएंगे, वो इस तरह से आएंगे, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो होगा क्या, ये 2 वैलेंसी तो अपनी क्लोरीन के साथ बैलेंस कर लेगा और 2 वैलेंसी इसकी ऑक्सीजन के साथ बैलेंस हो जाएंगी। इस तरह से हमारा जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो खत्म होता है। अब ऑक्सीडेशन को ना हो या खत्म करने के लिए, या फिर जो क्लोरोफॉर्म की बॉटल थी उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर हमारा बन गई फॉस्जीन गैस, 1% फॉस्जीन गैस बन गई है।
हम उसे कैसे अवॉइड करेंगे? तो उसे अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या कर देते हैं, इथाइल एल्कोहल को ऐड कर देते हैं। इथाइल एल्कोहल यानी C2H5OH। कौन रिएक्शन करेगा इसके साथ? तो COCl2 रिएक्शन करेगा। तो जब COCl2 की रिएक्शन करवाई जाती है तो होता क्या है, होता यह है कि COCl2 जो बना है उसको हमारा इथाइल एल्कोहल क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और यहाँ पर जो फॉर्मेशन हो जाएगा वो CO, जो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला ग्रुप रिप्रेजेंट करता है, ये CO की तरह बिहेव ना करके ये कार्बोनेट ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, कार्बोनेट ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C2H5। C2H5 का होल टू CO3। तो ये इस तरह से हमारी प्रोडक्ट कन्वर्ट हो जाएगी। इथाइल एल्कोहल क्या करेगा, फॉस्जिन गैस को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा। इज दैट क्लियर? इसके बाद आता है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो हमारी क्लोरोफॉर्म की है, दैट इज रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हमने कर लिया यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, वहां पे क्या बन रहा था, फॉस्जिन गैस बन रही थी, यहाँ पर क्या है, रिडक्शन। रिडक्शन का मीनिंग क्या है, हाइड्रोजन से रिएक्शन। तो जब हम हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन जिंक की प्रेजेंस में होगी, प्लस जिंक किस में डिजोल्व है, जिंक के साथ क्या है, अगर जिंक HCl के साथ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ है, तो प्रोडक्ट चेंज होगा, और अगर वाटर के साथ है तो प्रोडक्ट चेंज होगा। यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर हमारे कुछ ही कार्बन को, सॉरी कुछ ही क्लोरीन को ये रिप्लेस कर पाएगा, और यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज CH2Cl2+HCl। ठीक है, दो हाइड्रोजन थे, एक इसने खुद ले लिया और एक हाइड्रोजन Cl को इसने दे दिया, ये उसके साथ बाहर चला गया। ठीक है, अब अगर हम इसके साथ करते हैं यानी जिंक विद वाटर, तो सिंपल हमारा होगा क्या, 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का अमाउंट कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। तो 3 टाइम्स हो गया, अब यहाँ पे 3HCl, इसे 3Cl दिख रहे हैं, 6 हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा भाई, सीधे सीधे क्या HCl निकाल देगा। कितने निकाल देगा, जितने अवेलेबल हैं, यानी 3HCl हमारे निकल जाएंगे। अब बचा क्या, कार्बन बचा, हाइड्रोजन बचा, और 3 हाइड्रोजन यहाँ थे, 6 थे, 3 ले लिए, तो ये बन गया हमारा CH4। यानी अगर हमसे कहा जाए कि ये है क्या, तो सिंपल शब्दों में बात कही जाए कि ये एल्केन बनाने का एक सिंपल प्रोसेस भी है। ठीक है, तो क्या हुआ, क्लोरोफॉर्म अगर वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, यानी वाटर के साथ क्या है, ZN है, तब इसका रिडक्शन कराया जा रहा है, तो सिंपल हमारा एल्केन कंपाउंड बन जाएगा। और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं इसके साथ तो हमें ये मिलता है, यानी हाइड्रोजन का जैसा अमाउंट होगा प्रोडक्ट वैसा ही बनेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन होती है वो होती है हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस जो होता है इसका किसके साथ करवाया जाता है, इट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स टू से दैट KOH। KOH क्या है, पानी के अंदर डिजोल्व है, इसकी प्रेजेंस में कराई जाएगी। तो होगा क्या, ये एक्वस फॉर्म में है, देखो सोडियम और पोटेशियम आप सभी जानते हो काफी रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये क्या करती हैं, बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। तो सबसे पहले ये हेलोजन को लेके एक तरफ, भाई हमारा पार्टनर हमारे साथ, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करा, 3KCl ले लिया। तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया -3KCl। ठीक है, बाई प्रोडक्ट है इसका, हमारी इक्वेशन में अभी कोई रोल नहीं है। तो होगा क्या, 3OH फ्री हो गए, ये कार्बन के साथ आ जाएंगे। अच्छा एक बात और, किसी भी कार्बन मॉलिक्यूल पर 3OH एटम इजिली स्टेबल नहीं होते। सिंगल कार्बन पर 3OH है, यानी ये कंपाउंड जो होगा हमारा अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल होगा तो ये क्या करेगा, ये अपने आप ही बिना किसी को ऐड किए, बिना कुछ किए, ये अपने एक वाटर मॉलिक्यूल को अलग कर देगा। वन वाटर मॉलिक्यूल विल बी सेपरेटेड। आफ्टर दैट होगा क्या, हाइड्रोजन है हमारा, कार्बन है हमारा, OH के साथ बैलेंस हो गया, दो वैलेंसी हो गई, ये ऑक्सीजन के साथ।
डबल बॉन्ड में पूरा कर लेगा। लेकिन ये क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड बन गया, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसे चुप नहीं बैठेगा, कौन, पोटेशियम एक्टिव मेटल है, अपना रोल तो प्ले करेगी, तो ये क्या करेगी अपने पोटेशियम से, पोटेशियम क्या करेगा अपने पोटेशियम से इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और ये बना लेगा पोटेशियम फॉर्मेट। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में हमने इक्वेशन करवाई किसके साथ, QOH के साथ, एक्विस फॉर्म में। पहले तीनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे, तीनों क्लोरीन के रिप्लेस होने पर तीन OH आ जाएंगे, ये अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। ये 3 OH मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देंगे, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। फॉर्मिक एसिड क्या करेगा, पोटेशियम के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक, ये इक्वेशन क्लियर हो गई अच्छे से। वेयर इज माई डस्टर, हियर इज। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके डीहैलोजिनेशन की। भाई हैलोजन है तो हैलोजन बहुत आसानी से बाहर जा भी सकता है, डीहैलोजिनेशन। बोर मत होना केमिस्ट्री की क्लास में कभी भी, केमिस्ट्री से ज्यादा अच्छा सब्जेक्ट कोई नहीं है, याद रखना। ठीक है, हैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन का मतलब क्या है, हैलोजन दूर जा। बताया था केमिस्ट्री में डी शब्द आ गया तो समझ लो डी लेटर का मीनिंग हो जाएगा दूर जा। अब हेलोजिनेशन यानी हेलोजन दूर जा, तो हेलोजन को अगर निकाल दिया भाई क्लोरोफॉर्म में, क्लोरोफॉर्म का वजूद किसकी वजह से है, इसी हेलोजन की वजह से है। तो हेलोजन क्या है, हेलोजन ही निकाल रहा है, तो हेलोजन ऐसे नहीं जाएगा, हेलोजन जाएगा किसी स्ट्रोंग के साथ। तो यहाँ पर डी हेलोजिनेशन में हम यूज करते हैं सिल्वर पाउडर का, तो ये सिंपल जो है पूरा पूरा हेलोजन निकल जाएगा और यहाँ पर 6 AgCl निकल जाएगा। लेकिन हमारा मेन प्रोडक्ट तो नहीं है, मेन प्रोडक्ट तो क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कार्बन का कंपाउंड होगा। अब इस कार्बन के पास, इस बेचारे के पास अपना एक हाइड्रोजन और इसके पास अपना एक हाइड्रोजन, तो कैसे करें, डबल बॉन्ड बना ले और ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा। तो ये हो गया इसका डीहैलोजिनेशन। ऐसे ही होता है इसका नाइट्रेशन, अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही भाई होता है इसका नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में रिएक्शन किससे की जाएगी, HNO3 के साथ। कैसी फॉर्म में, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में। हेलोजन को रिप्लेस करना है भाई, इस वीक को हम वीक से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें स्ट्रॉन्ग को रिप्लेस करना है तो स्ट्रॉन्ग ही चाहिए। इसलिए ये जो HNO3 है तो क्या है, ये कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 रिएक्शन किसके साथ कर रहा है, HNO3 के साथ। तो HNO3 इस तरह से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है HONO2 की फॉर्म में, HONO2 की फॉर्म में। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन देख रहे हो, ये हाइड्रोजन इस HO के साथ निकल लेकर शराफत से पानी बना लेगी। तो भाई वाटर मॉलिक्यूल तुम आ जाओ बाहर, जो बचा वो एक साथ आ गया, तो CCl2NO2, तो क्या बन गया, क्लोरोपिक्रिक कंपाउंड, क्लोरोपिक्रिक कंपाउंड ये बन गया। ये हो गया इसका नाइट्रेशन कंप्लीट। अब अगर हम देखते हैं तो ये दो तरह के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को और शो करता है, वो इक्वेशन कौन सी हैं, याद करो क्या होगी, बहुत फेमस इक्वेशन जिसमें आती है अजीब सी स्मेल, कार्बिल एमीन रिएक्शन और रीमर टाइमन रिएक्शन। दो नेम रिएक्शन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, चाहे UP बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, क्लोरोफॉर्म अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा कार्बिल एमीन रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन क्या है, अपने आप में स्पेशल इक्वेशन है क्योंकि साइनाइड आइसोसाइनाइड ग्रुप की टेस्टिंग में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी कहीं अगर आइसोसाइनाइड ग्रुप है तो हम इसका पता लगाने के लिए भी इस इक्वेशन का यूज करते हैं, है ना। तो यानी कि यहाँ से हमें क्लोरोफॉर्म का एक कैरेक्टर और पता चल रहा है कि ये ग्रुप रीजेंट का वर्क करता है, ये आइडेंटिफाई करवाता है किसी ग्रुप की प्रेजेंस को। यानी अगर हमें ये टेस्ट करना है आइसोसाइनाइड ग्रुप है या नहीं है, देन वी कैन यूज क्लोरोफॉर्म। अब क्या है इसमें, हमने क्या लिया, एरोमेटिक कंपाउंड, ये क्या है, ये है हमारा एनिलीन, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है ही, और ये रिएक्शन किसके साथ है, इसमें हम यूज करते हैं 3KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसा कि पहली इक्वेशन में आया था
पोटेशियम है और क्लोरीन है, तो भाई चलो मेरे साथ, है ना? तो क्या बन गया? 3 KCl, 3 KCl बाई प्रोडक्ट। अब उसके बाद हाइड्रोजन है, ठीक है भाई, है हाइड्रोजन, है OH है, तो क्या बनाएगा? पानी। जब KCl नहीं पीछे हट रहा, तो क्या ये H2O बचेगा? हटेगा, ये 3OH बन गया। अब क्या बचा? C6H5N और C, यही कमाल है। तो ये क्या बनाएंगे? C6H5N, नाइट्रोजन यहाँ पर कार्बन के साथ क्या करेगा? कंपाउंड बना लेगा, ये हो जाएगा आइसोसाइनाइड ग्रुप, ठीक है? ये हो गया आइसोसाइनाइड ग्रुप। ये जो स्पेशल स्मेल आती है, जिसे गंध बोलते हैं हिंदी में, तो वो जो है वो इसी आइसोसाइनाइड ग्रुप की वजह से आती है। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन जो है, ये एक तरह से आइसोसाइनाइड ग्रुप को फाइंड करने का भी एक तरीका है, ठीक है? तो यहाँ से हमें पता चला कि क्लोरोफॉर्म कैन यूज एज अ ग्रुप रीजेंट टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ आइसोसाइनाइड ग्रुप। इज दैट क्लियर? सेकेंड नेम रिएक्शन आती है रीमर टाइमन रिएक्शन। रीमर टाइमन रिएक्शन क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया, सोडियम है, क्लोरीन है, तो सीधे सीधे क्या है बाहर? NaCl, 3NaCl, ठीक है? हाइड्रोजन है, तो क्या हो गया? वाटर भी आ गया बाहर। अब बचा क्या? अब बचा ये, अब बचा ये। तो ये क्या करेंगे? यहां पर हमें बेंजीन के साथ एल्कोहल, क्या होता है? एल्कोहल नहीं हटेगा, ये बेसिकली क्या है? OH ग्रुप है जब बेंजीन के साथ, तो ये फिनॉल हो गया। फिनॉल क्या करेगा? इस CH और O को कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड ग्रुप में, तो हमारा ये बन जाएगा, ठीक, ये हमारा मेन प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हुई फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्लोरोफॉर्म की। लैब मेथड भी हो गया, इंडस्ट्रियल मेथड भी हो गया, यानी ओवरऑल देखें तो क्लोरोफॉर्म कंप्लीट हो गया। अच्छा, यूज और देख लेते हैं। एज अ प्रिजर्वेटिव, कहाँ पर प्रिजर्वेटिव कह रही हूँ, तो प्रिजर्वेटिव कहाँ? लैब के अंदर। एज अ इंसेक्टिसाइड फॉर मेकिंग मेडिसिन, एज अ ग्रुप रीजेंट, तो ये इसके एज अ डिजोल्वेंट, क्योंकि ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिजोल्व करने का काम करता है। तो उम्मीद करती हूँ क्लोरोफॉर्म बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई कंप्लेन है, कोई रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके डालिए। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा केमिस्ट्री समझने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सबसे बड़ा थैंक यू मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। इतने कम समय में इतने सब्सक्राइबर, दिल से शुक्रिया। लेकिन अभी टारगेट पूरा नहीं है, तो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू।